अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास, वेलकम टू दी लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल. ड्यू टू कोविड पेंडेमिक, एज वी नो, वी हैव टू स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज़ आवर ऑनलाइन क्लास लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैथ्स. करंटली वी आर डूइंग एक्सरसाइज नंबर 5C. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 13, 14, and 15. I hope you have practiced the previous questions and done the questions on sheets. Now, please open your worksheet number 20, page number 20. I hope you all have opened page number 20. You can see question number 13. The first one is question number 13. Question number 13 states, Gait cycles the first 350 kilometer of a 470 kilometer journey at a certain average speed, and the seventh remaining distance at an average speed is 15 kilometer per hour less than the first part of the journey. If the time taken for her part of her journey is the same, find the average speed for the second part of the journey. Now, what does the question says? The question tells us that Kate cycles the first 350 kilometer of a 470 kilometer journey at a certain average speed. So question में वो हमें ये बता रहा है कि केट ने साइकिलिंग की एक 470 किलोमीटर जर्नी की, जिसमें से उसने 350 किलोमीटर्स एक सर्टेन एवरेज स्पीड जो उसने स्टार्ट में रखी वही उसकी 350 किलोमीटर्स तक गई. उस एवरेज पे उसने जर्नी को कंप्लीट किया. नाउ जो हमारे पास सेवेंथ जो डिस्टेंस रिमेनिंग था, ठीक है, उसकी उसको उसने 15 किलोमीटर पर आवर के मुताबिक एवरेज स्पीड को लेस कर दिया अपने फर्स्ट पार्ट से. अगर वो कहता है इफ़ द टाइम टेकन फॉर हर पार्ट ऑफ हर जर्नी इज़ द सेम, अगर उसको फर्स्ट पार्ट में जितना टाइम उसने यूज़ किया वो सेम है, फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ हर जर्नी, तो फिर उसकी जो एवरेज स्पीड होगी सेकेंड पार्ट के लिए उसको फाइंड करें. नाउ we'll see the solution. The solution says Kate cycles the first 350 kilometer of a 470 kilometers. Okay, so now let Kate's average speed for the first part of her journey be x kilometer per hour, because usne hame question mein ye mention nahi kiya ki hamare paas jo Kate ki average speed hai wo kya hai. इससे हम इसको सपोज कर लेंगे कि लेट केट्स एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी भी एक्स किलोमीटर पर आवर. इफ़ उसकी जो फर्स्ट पार्ट की स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ हर जर्नी क्या होगी, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा कि उसने सेकेंड पार्ट की जर्नी को 15 किलोमीटर पर आवर के रेशो से लेस कर दिया था. तो हम क्या करेंगे, देन द एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ हर जर्नी इज़ एक्स माइनस 15 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो उसकी एवरेज स्पीड फर्स्ट पार्ट के लिए थी उससे उसने 15 किलोमीटर पर आवर लेस किया था. तो हम अपनी जो हमने एवरेज स्पीड फर्स्ट पार्ट के लिए सपोज किया लेट किया उसमें से 15 को माइनस कर देंगे. नाउ वी हैव टाइम, हमें उसका टाइम फाइंड करना, हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले हमें उसका टाइम पता होना चाहिए कि उसने कितना टाइम लिया. टाइम हम किस तरह फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड. सो यहाँ पे टाइम हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट के लिए उसका कितना डिस्टेंस था 350 एंड उसने स्पीड कितनी थी उसकी एक्स. सो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या टाइम होगा, 350 डिवाइडेड बाय एक्स. एंड फॉर द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट के लिए क्या होगा, सेकेंड पार्ट के लिए आप डिवाइड करेंगे जो हमारे पास ओरिजिनल हमारा डिस्टेंस था, माइनस करेंगे उसमें से वो वाला डिस्टेंस जो उसने फर्स्ट पार्ट में कवर किया. सो 470 माइनस 350 डिवाइडेड बाय एक्स. स्पीड क्या थी हमारी, जो एवरेज स्पीड थी सेकेंड पार्ट के लिए जो हमने लेट की थी वो क्या थी, एक्स माइनस 15. सो 470 माइनस 350 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 15. टाइम टेकन फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ आवर जर्नी इज़ 120 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 15 आवर्स. नाउ हमारे डिफरेंस हैं वो कैसे होंगी, अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ें तो उसमें उसने आपको बोला था कि इफ़ द टाइम टेकन फॉर आर पार्ट ऑफ आर जर्नी इज़ द सेम, अगर उसने जो जर्नी कंप्लीट किया उसका जो टोटल टाइम उसने लिया वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, देन फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर द सेकेंड पार्ट. तो हमने फाइंड द एवरेज स्पीड पार्ट फाइंड करनी है सेकेंड पार्ट की.
सो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम अपने टाइम को इक्वल कर लेंगे. 350 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 15. हेयर यहाँ पे आप फ्रैक्शंस को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट डज क्रॉस मल्टीप्लाई मींस? क्रॉस मल्टीप्लाई मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड इक्वेशन. सो 350 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय एक्स. व्हेन वी मल्टीप्लाई 350 विद एक्स इट्स 350 एक्स माइनस 350 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 5250. Now 120 multiplied by x is 120x. So 350x minus 5250 is equal to 120x. Sixth class, in the previous questions you have learned कि हम कभी भी वेरिएबल में से कॉन्स्टेंट को माइनस नहीं कर सकते. हम वेरिएबल में से हमेशा वेरिएबल वाले नंबर को ही माइनस करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल वाला नंबर तो इक्वल की राइट साइड पे है, तो हम उसको इक्वल की लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे वेरिएबल वाले नंबर के साथ 350x. और वहाँ पे वो राइट साइड पे पॉजिटिव है, तो जब 350x के पास आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. 350x माइनस 120x इज इक्वल टू 5250. 5250 पॉजिटिव कैसे हुआ? क्योंकि जब ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे था ये साइन माइनस के साथ था, माइनस हो रहा था सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जब ये राइट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो 350x माइनस 120x इज 230x, which means 230x is equal to 5250. So now हमने find क्या करना था? हमने find the average speed करनी थी for the second part. तो उसके लिए पहले हमें first part की average speed find करनी होगी, और first part की average speed हमने क्या let की थी? x. So हमें find क्या करना है? First of all x find करना है. तो x के लिए x के साथ तो 230 मल्टीप्लाई हो रहा है. जब भी कोई नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उसको शिफ्ट कर देते हैं इक्वल की दूसरी साइड पे. जैसे यहाँ पे राइट साइड पे 230 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो हम उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे और वो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 5250 का. सो x इज इक्वल टू 5250 डिवाइडेड बाय 230. डिवाइडिंग द इक्वेशन, जब हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन को 5250 डिवाइडेड बाई 230, वी गॉट द आंसर 22/19/23. सो दिस वॉज द एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ हर जर्नी. नाउ what did the author ask in the question? Find the average speed for the second part of our journey. हमें कौन सा speed find करनी है? Second part की. Second part की journey के लिए हम क्या करेंगे? जो answer हमारा आया है first part का, उसमें से हम 15 को subtract कर देंगे. क्यों? क्योंकि आप question देखिए, उसमें उसने बोला था कि उसने second part के लिए 15 किलोमीटर पर आर की जो speed थी वो लेस कर दी थी. सो 22/19/23 माइनस 15. जब आप इसको माइनस करेंगे, आपने होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, एंड देन एलसीएम लेकर इसको माइनस करेंगे, तो आंसर विल कम 7/19/23. सो द एवरेज स्पीड शी टुक फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ हर जर्नी वॉज 7/9/23 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो नाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ऑन द लूज शीट. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 14. यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 14 स्टेट्स दैट द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. इफ वन इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3. फाइंड द फ्रैक्शन. ओके, सो व्हाट डज द क्वेश्चन स्टेट्स? क्वेश्चन हमें बता क्या रहा है? क्वेश्चन स्टेट्स द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर. एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर जो है वो 5 लेस देन है उसके डिनोमिनेटर से. ओके, फर्स्ट कंडीशन इज दिस. द सेकंड इज इफ वन इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड टू द डिनोमिनेटर, द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3. जब आप फ्रैक्शन में 1 प्लस करते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो हमारे पास न्यू इक्वेशन न्यू फ्रैक्शन बनती है वो क्या होती है? 2/3. फाइंड द फ्रैक्शन. ओके, सो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को क्या कहा गया? जो हमारी इक्वेशन थी उसको, जो फ्रैक्शन ओरिजिनल थी उसको फाइंड करना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. सी,
फर्स्ट हमारे पास उसने हमें गिवन नहीं किया कि हमारे पास डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर क्या है, उसने हमें सिर्फ स्टेटमेंट में एक कंडीशन दी है, द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपना डिनोमिनेटर लेट करना होगा, सो लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स, ओके, क्योंकि उसने हमें गिवन नहीं किया। जब हमें कोई चीज़ गिवन नहीं होती तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स। अगर अब हमारा डिनोमिनेटर एक्स है तो न्यूमिनेटर क्या होगा, न्यूमिनेटर इज 5 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर जो हमने डिनोमिनेटर अपना सपोज किया है उसमें से हम 5 को लेस कर देंगे तो हमारे पास न्यूमिनेटर आ जाएगा। सो न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर क्या लेट किया था, एक्स। सो एक्स माइनस 5 इज आर न्यूमिनेटर। नाउ फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स। नाउ अगर आप देखें उसने हमें फर्स्ट कंडीशन हमने पूरी कर ली, द सेकेंड कंडीशन इज इफ़ 1 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर द न्यू फ्रैक्शन इज 2/3। ओके, टू कंप्लीट द सेकेंड कंडीशन वी हैव टू एड 1 इन द न्यूमिरेटर एंड द डिनोमिनेटर, सो द फ्रैक्शन विल बिकम x माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। और जब हम इसमें 1 ऐड करते हैं न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर में तो न्यू फ्रैक्शन हमारे पास क्या आती है, 2/3। सो दिस इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेजन, x माइनस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। एक्स तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस 5 और प्लस 1 हमारे पास दोनों कॉन्स्टेंट हैं और ये माइनस हो रहे हैं, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस हो रहे हैं, सो 5 माइनस 1 इज 4। बट साइन कौन सा आएगा हमारे पास, जो हमारा साइन वैल्यू के जो माइनस प्लस क्या होता है हमारे पास माइनस, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाती हैं तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो हेयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी डन विद द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। सो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 3x माइनस 3 4s आर 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 2x प्लस 2 1s आर 2। ना 3x माइनस 12, क्या आप 3x में से 12 को माइनस कर सकते हैं, नो वी कांट माइनस वेरिएबल फ्रॉम अ कॉन्स्टेंट, हम एक कॉन्स्टेंट में से वेरिएबल को माइनस नहीं कर सकते हैं। 3x माइनस 12 हम नहीं कर सकते, इसलिए जो हमारे पास वेरिएबल वाला नंबर है 3x टू एक्स उसको हम शिफ्ट कर देंगे 3x के पास, यानी इक्वल की लेफ्ट साइड पे। 3x माइनस 2x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 12। 3x माइनस 2x इज, जब आप 3x में से 2x माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1, दैट मीन्स इट्स x। 3x माइनस 2x इज x इज इक्वल टू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14। सो हमारे पास x क्या आ गया, 14। बट अब अगर आप देखें तो हमने फ्रैक्शन बनाई जिसमें उसने हमने ये स्टेट किया था कि हमारा न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 लेस है, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन कैसे आएगी, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम पुट करेंगे फ्रैक्शन में और हम अपना न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर फाइंड कर लेंगे। सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x, सो x की जगह क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 14, एंड 14 माइनस 5 इज 9, सो द फ्रैक्शन इज 9/14। नाउ डू द क्वेश्चन ऑन द शीट्स। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेट्स आर टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द वन डिजिट इज 2.5 टाइम्स एज मच एज द टेंथ डिजिट। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेंड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज 27, फाइंड द नंबर। ओके, सो यहाँ आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी वर्कशीट में मिस्टेक है, डिजिट्स आर सर्व्ड लिखा हुआ है, बेटा ये सर्व्ड नहीं रिवर्स्ड है, इसको आपने चेंज कर लेना है, ये वर्ड सर्व्ड नहीं रिवर्स्ड है। ओके, सो क्वेश्चन में आपको वो क्या कह रहा है कि अ टू डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट, एक दो डिजिट का पॉजिटिव नंबर ऐसा है कि उसका एक डिजिट जो है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है एज मच एज द
टेंथ डिजिट, उसके टेंथ डिजिट से. ओके, सो जो टू डिजिट पॉजिटिव नंबर होता है उसमें तो हमारे पास सिर्फ दो ही प्लेस वैल्यूज होती हैं, एक तो टेंथ की होती है और दूसरी वंस की होती है. अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा टेंथ का डिजिट जो है वो 2.5 टाइम्स कम है, तो दूसरा वाला कौन सा होगा? वंस का डिजिट. तो वंस वाला डिजिट 2.5 टाइम्स हमारे पास ज़्यादा है अपने टेंथ के डिजिट से. सो यहाँ पे हम सोल्यूशन देखते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो उसने क्वेश्चन में हमें ये गिवन नहीं किया कि हमारे पास टेंथ की प्लेस पे कौन सा नंबर है और वंस की प्लेस पे कौन सा नंबर है, बट हाँ कंडीशन उसने हमें ये बताई है कि जो वंस की प्लेस पे है वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा है. ओके, सो लेट द नंबर इन टेंथ प्लेस बी एक्स, जो हमारे पास टेंथ की प्लेस में नंबर होगा उसको हम लेट कर लेते हैं एक्स. देन द नंबर इन वंस प्लेस इज 2.5x, क्योंकि उसने हमें बताया कि 2.5 टाइम्स ज़्यादा है. देन द नंबर इन वंस प्लेस इज 2.5 मल्टीप्लाई बाय द टेंथ नंबर, सो 2.5 मल्टीप्लाई बाय एक्स. नाउ हियर द कन्फ्यूजन, इस क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, विच इज़ द नंबर, विच नंबर डेट एंड गिवन अस, उन्होंने हमें नहीं दिया कि क्वेश्चन में जो द नंबर है वो कौन सा, उन्होंने हमें नहीं बताया. एंड द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, हमें उसने ये नहीं बताया. अब जो द नंबर है हमारे पास वो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो जो बेटा टेंस की वैल्यू होती है ना वो टेंस से स्टार्ट होती है. ओके, और अ डिजिट विद जिसमें टू डिजिट्स हों और टेंस और वंस भी हो. ओके, तो वो जो टेंस वाली डिजिट की जो है हमारे पास सीरीज वो टेंस से स्टार्ट होती है टिल 99. सो हमने जो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है टेंस डिजिट का वो ले लेना है. द नंबर इज 10 मल्टीप्लाई बाय वंस द नंबर इन द टेंस प्लेस प्लस द नंबर इन द वंस प्लेस. ओके, आप यहाँ पे देखें सोल्यूशन में उसने बताया द नंबर इज 10x. ये 10x किस तरह आया? 10x जो था 10 मल्टीप्लाई बाय द नंबर इन द टेंस प्लेस प्लस द नंबर इन द वंस प्लेस. सो 10x प्लस 2.5x इज इक्वल टू 12.5x. नाउ द नंबर ऑब्टेन व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया जो हमारे पास द नंबर था. नेक्स्ट वन इज़ द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब हम डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो जो हमारे पास नंबर ऑब्टेन्ड होता है उसका हम उसको किस तरह फाइंड करेंगे? अब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे. द नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय द नंबर इन वंस प्लेस प्लस द नंबर इन टेंस प्लेस. ऊपर जो हमने द नंबर फाइंड किया उसमें हमने 10 मल्टीप्लाई बाय जो टेंस की प्लेस में नंबर था वो किया, और जो द नंबर ऑब्टेन व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स तो उसमें हम 10 को करेंगे जो हमारे पास हमारी वैल्यू जो वंस की प्लेस में होगी. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5x प्लस x, 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज 25x प्लस x एंड 25x प्लस x इज 26x. नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 26x माइनस 12.5x, बिकॉज देन उसने कहा इफ द डिफरेंस, जो डिफरेंस है अब हम क्या लेंगे उसका डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड इज व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड इज 27. उसने उसका हमें रिजल्ट भी बताया और ये बताया कि जब हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो रिजल्ट हमारे पास ये आता है. सो 10x सो सॉरी 26x माइनस 12.5x इज इक्वल टू 27 एंड 26x माइनस 12.5x इज 13.5x इज इक्वल टू 27. नाउ x इज इक्वल टू 27, हमें वैल्यू तो x की चाहिए थी तो हम x को अकेला कर लेंगे. वो कैसे करेंगे कि 13.5 जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे और वो डिवाइड हो जाएगा 27 के साथ. तो x इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 13.5 एंड x इज इक्वल टू 2. नाउ क्वेश्चन में उसने लास्ट में हमसे मांगा था फाइंड द नंबर. अब हमने क्या फाइंड करना है? अपना नंबर फाइंड करना है. हमने क्या लेट किया था? द नंबर इज इक्वल टू 12.5x. सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन ऑफ द नंबर. द नंबर इज 12.5 मल्टीप्लाई बाय x एंड 12.5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या आ जाएगा? 2. 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 25. सो द नंबर इज 25.
ओके सो सिक्स क्लास हेयर वी एंड आर एक्सरसाइज 5C एंड आर लेक्चर्स ऑल्सो डू दीज क्वेश्चन ऑन लूज शीट ओके एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज